So what we're going to make today is this page, this our services page. So here, ये सारा अपना ये कैरोसेल है जो हमारी सारी वेबसाइट्स को शो करेगा जितनी भी केजिला ने बनाई है वो डालना है बस. और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी सक्सेस रेट्स वगैरह आएंगे डालेंगे. तो अभी तो बस लेआउट डाल रहे हैं हम, कंटेंट बाद में देख लेंगे. फिर यहाँ पे उन पीपल्स के कमेंट्स है जिन्होंने भी हमारे से काम कराया है केजिला से. और फिर नीचे उसके नीचे हमारा फुटर है पूरा, नहीं हुआ मैं करवा दूंगा. तो छोटा सा ही काम है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो जल्दी से ख़त्म करते हैं. तो अभी तक हमने ये इंडेक्स पेज बनाया है और फिर अबाउट अस का पेज ऋत्विक ने तुम लोग को बनवा दिया है. तो शुरू करते हैं. पहले मैं एक फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे. तो उस दिन की तरह हमारे को नेव बार वगैरह सेम रखनी है, तो मैं इंडेक्स ही ले लेता हूँ पूरा. और फिर सारा कंटेंट डिलीट कर देता हूँ एक्सेप्ट फॉर नेव बार. तो अभी बस हमारा नेव बार है यहाँ पे. क्लास दे देते हैं सर्विस. जी भाई, तुम्हारे को ऋत्विक ने तो लास्ट सेशन लिया था उसमें बताया होगा कंटेनर कंटेनर फ्लूइड क्या होता है. तो अगर हमारे को पूरी विड्थ लेनी है तो हम कंटेनर फ्लूइड यूज़ करेंगे. अदरवाइज अगर हमारे को थोड़ा सा दोनों तरफ मार्जिन छोड़ना है तो फिर हम कंटेनर यूज़ करेंगे. हमारे को पहले आर सर्विसेज को स्टाइल कर लेते हैं. अब ये यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि उसका कलर वाइट है. तो हमारे को कलर चेंज करना है और फिर इसको सेंटर में लाना है. सेंटर में लाने के लिए बूटस्ट्रैप की क्लास होती है टेक्स्ट सेंटर, तो वो डाल दोगे तो अपने आप सेंटर में ही रहेगा. हर सब सेलेक्ट करने के लिए मैं लिख रहा हूँ. सलरिया डाल देते हैं. थोड़ा सा फॉन्ट वेट डाल देते हैं.
अभी ये हमारा आर सर्विस जो है वो प्रेजेंट है, बट हमारे को शो नहीं हो रहा है, इसलिए क्योंकि जो हमारी नेव बार है ना, नेव बार हमारी यहाँ बॉडी से शुरू है और जो हमने आर सर्विस लिख रखा है और जो हमने ऑफ ये अपनी नेव बार है ये बॉडी से शुरू है, जो हमने आर सर्विस लिख रखा है वो एक्चुअली यहाँ पीछे कहीं शो हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें सेक्शन में थोड़ी सी पैडिंग टॉप डाल देते हैं, रहेगा शो होने लगेगा। हाँ अभी शो हो रहा है, अभी थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं। ये ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं थोड़ी सी। अभी हमें क्या करना है, ये वेबसाइट है तो यहाँ पे भी देखो सेक्शन में हमारे बॉर्डर्स हैं, इसीलिए हमारे को अभी यहाँ पे हमारी वाली वेबसाइट में आइकन्स विजिबल नहीं है। वो आइकन्स हैं ये रे, बट वो शो नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनका भी कलर वाइट है। तो इधर बॉर्डर डाल देते हैं दोनों में। तो आर सर्विसेज में हमारे को एग्जैक्ट सेम साइज का बॉर्डर डालना है, तो ऊपर हमने इवेंट्स में डाला था शायद। हाँ ये हमने इवेंट्स में बॉर्डर डाल रखा है, सेम साइज का बॉर्डर हम इधर डाल देते हैं। और फिर उसकी मीडिया क्वेरी भी, क्योंकि वो मोबाइल में वरना ज्यादा वेट का दिखेगा। अभी ये शो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जितना हमारा कंटेंट है बस उतना ही शो हो रहा है। अगर मैं इसको हाइट दे दूंगा अभी तो ये शो होने लगेगा। लेट से मैंने 100 भी अच्छा हाइट दे दी। तो ये शो हो रहा है अभी। डिजाइन के हिसाब से हाँ तो अभी हमारे को ये पेज बनाना है, यहाँ पे ये वेब डेवलपमेंट लिखना है। और तुम्हारे को ईशान ने बताया था सबसे फर्स्ट वाले सेशन में कि जब भी हम हमें सिर्फ कंटेंट की विड्थ के इक्वल चाहिए होता है तो हम स्पैन यूज करते हैं, और फिर पूरी विड्थ का चाहिए होता है तो हम पी यूज करते हैं। तो मैं सिर्फ इस डब्ल्यू के ऊपर स्पैन लिखूंगा और फिर उसमें बॉर्डर डाल दूंगा, बॉर्डर बॉटम डाल दूंगा, तो फिर मेरा बॉर्डर आ जाएगा सिर्फ डब्ल्यू। तो करते हैं इसको, और इसको थोड़ा रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमने कंटेनर फ्लूइड यूज किया है।
पहले लिख लेते हैं। अगर इसमें मैं वेब लिखता हूँ फिर पूरा डेवलप। अभी क्या होगा, अब मैंने स्पैन से डब्ल्यू को सेलेक्ट कर लिया है, तो अब मेरा, अब मैं स्पैन को जब स्टाइल कर दूंगा तो फिर सिर्फ इस डब्ल्यू के नीचे मेरा बॉर्डर आएगा। तो यही वाला कंटेंट ले लेते हैं। हाँ, और इसमें भी क्लास एक क्लास और कर ऐड कर लेता हूँ। स्टाइल करते हैं थोड़ा। तो मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए, मेरे को सबसे पहले वेब डेवलप, पहले तो मेरे को इस पूरे को थोड़ा सेंटर में लाना है, बीच में इधर इधर थोड़ी सी स्पेसिंग छोड़नी है। तो उसके लिए सबसे बाहर वाली अपनी जो पेरेंट डिव है, यहाँ की पेरेंट डिव क्या है, हमारे को सर्विस कंटेंट की है जो हमने बनाई है, तो उसमें थोड़ी पैडिंग डाल देते हैं। तो देखूंगा ऐसा इसको रिकॉर्डिंग कर। हम स्पैन तब यूज करते हैं जब हमारे को किसी भी किस सिर्फ एलिमेंट की विड्थ के इक्वल चाहिए। तो सपोज मैं एग्जाम्पल ही दे देता हूँ, जैसे ये वेब डेवलपमेंट है, अभी मैं यहाँ पे सिर्फ डब्ल्यू पे अगर पी टैग करके स्टाइल करूंगा तो वो पूरे को शो होगा, मतलब वो स्टाइलिंग पूरे वेब डेव पे आएगी, क्योंकि पी टैग जो है वो पूरी विड्थ लेता है पेरेंट क्लास की। जबकि अगर तो फिर अगर तो सिर्फ स्पैन यूज करेगी तो वो सिर्फ इतनी विड्थ कवर करेगा, और मेरे को सिर्फ डब्ल्यू पे चाहिए तो इसलिए मैंने स्पैन यूज किया। सर्विस टाइटल का स्टाइल करते हैं। थोड़ा सा फॉन्ट वेट दे देते हैं।
अब अगर मैं लिखूंगा मॉडल बॉटम टू पी एक्स सॉलिड चाहिए और फिर कलर तो देखिए सिर्फ डब्लू पे आया जैसे हमारे को चाहिए था, तो इसलिए हमने स्पैन यूज किया था। जैसे यहाँ पे डब्लू पे, यहाँ पे भी डब्लू पे आया। इस पी टैग का थोड़ा सा यहाँ पे स्पेसिंग दे देते हैं और यहाँ पे जैसे टेक्स्ट सेंटर है टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं। तो टेक्स्ट सेंटर करने के लिए या तो तुम वही क्लास यूज कर लो टेक्स्ट सेंटर, और अगर तुम्हें उससे नहीं करना तो पी की स्टाइलिंग के अंदर मार्जिन लेफ्ट ऑटो मार्जिन राइट ऑटो कर दो तो ओके हो जाएगा। सेंटर हो गया अभी हमारे को ये कैरोसेल बनाना है। कैरोसेल वही बूटस्ट्रैप का कैरोसेल ले लेंगे हम, और बस इस बार चेंज किया है, चेंज ये है कि इस बार हम ये इमेज क्लिक करें तो वो पर्टिकुलर वेबसाइट को लिंक चाहिए। तो वो मैं कैसे करूँगा कि जो मेरे कैरोसेल के लिस्ट आइटम्स हैं उनको ए टैग से रैप कर दूंगा। तो मैं जैसे ही इमेज पे क्लिक करूंगा तो वो उसकी पर्टिकुलर लिंक पे जाएगा। तो पहले बूटस्ट्रैप का कैरोसेल ले लो, ये वाली इमेज मेरे पे है ऑलरेडी तो डाल लेता हूँ। हाँ तो जैसे मैंने बोला था ये जो मेरा इमेज इमेज है मैं इसको अगर रैप कर दूंगा ए टैग से, तो इस पर कहीं भी क्लिक करने पे और यहाँ पे मैंने लिंक दे दी सपोज तो लिंक दे दी।
मैंने ये टैब क्लोज कर दिया। तो अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो खुल रहा है, बट वो इसके आगे से खुल रहा है। तो अब खुल रहा है, बट क्या हो रहा है कि SRM केजिला वाली जो वेबसाइट है उसी पेज पे खुल रहा है। तो अगर हमारे को दूसरे पेज पे खुलना है तो उसके लिए कुछ नहीं, बस टारगेट ब्लैंक लिख देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक, तो ये अब मेरे को दूसरे पेज पे खोलेगा। अपनी वेबसाइट इधर ही है और ये इसने दूसरे पेज पे खोला है। तो ऐसे ही सबके लिए कर देते हैं। इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं जैसे यहाँ पे कर रखा है, और ऊपर हेडिंग भी होती है। हेडिंग और इसको भी टेक्स्ट एंटर दे देते हैं, क्लास एंटर में रहेगा। अभी हमारे को ये थोड़ी इमेज स्टाइल करनी है, इसका थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं, बस बॉर्डर डाल देते हैं। क्लास दे देता हूँ से। अगर मेरे को उसकी इमेज स्टाइल करनी है तो हाँ, एक और चीज जो हमने स्टार्टिंग में वो दिया था ना हाइट, इसको हटा देते हैं ताकि हमारी जो हाइट है वो कंटेंट के हिसाब से ही चेंज। अगर हमारा कंटेंट ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा रहे, वरना सब ओवरफ्लो होगा। इस इमेज को हाइट दे देता हूँ मैं।
परसेंट मैं दे रहा हूँ, तो मतलब वो डिवाइस विड्थ के हिसाब से। हाँ आइटम से ये इस पर जो है वो देखिए, जरा पासवर्ड आया मेरी खुद तो SRM का बेटा, वो जो है ना भी थोड़ा ठीक है। ठीक है फिर, कैरोसेल हो गया। अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हाँ ठीक है, रिडायरेक्ट भी हो रहा है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये वाला सेक्शन बनाना है, आर सेल्स दिस ईयर। वही फिर से, अब तुम्हारे को क्या करना है, तुम्हें एक क्लास बनानी है और उसको कंटेनर क्रिएट कर देना है ताकि वो पूरी विड्थ ले। कंटेनर क्रिएट करो उसको, फिर उसकी जो क्लास है उसको बैकग्राउंड यही सेम कलर कर दे दो, फिर उस पर बस यहाँ पे हेडिंग लिख दो। और इन तीनों को मैं चाहता हूँ कि मेरे मोबाइल व्यू में ये पूरे स्ट्रेट शो हो और डेस्कटॉप व्यू में ऐसे। तो फिर मैं कॉल MD4 की क्लास दे दूंगा, और अगर मैं फिर डेस्कटॉप व्यू में ओपन करूंगा तो ये तो फुटर की वजह से आ रहे हैं, तो मैं ओपन करूंगा तो मेरे को ऐसे स्ट्रेट शो होंगे। ये वाला सेक्शन यही रहने देते हैं, दूसरा सेक्शन बनाते हैं। मैं सपोज क्लास लिख दी सेल्स,
तुम्हारे को ऋत्विक ने बताया था कि 12 पार्ट्स में डिवाइड होता है वो पूरा, तो मेरे को तीन तीन हमने शो किए हैं तीन एलिमेंट्स, तो मैं इसलिए इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने MD4 ले लिया। ठीक है, इसके अंदर तो क्या क्या शो करना है, एक नंबर और एक टेक्स्ट, एक क्लास बना देते हैं टेक्स्ट नंबर, और मैं उसके अंदर ले देता हूँ एक वो इसको स्टाइल करने के लिए इधर भी एक क्लास दे देते हैं हम, तो नेक्स्ट से सेल्स सेल्स का बैकग्राउंड डाल देते हैं। तो अगर तुम लोगों ने खुद प्रैक्टिस किया है तो तुमको समझ आ रहा होगा कि ज्यादा कुछ नहीं है, बस इंग्लिश ही लिखनी है। तो देखो बैकग्राउंड हो गया है, बस इसको टेक्स्ट सेंटर में लाना है और इसका कलर वाइट कर देना। जाते हैं इसका टेक सेंटर में, तो क्लास डाल देता है टेक सेंटर, थोड़ी सी पैडिंग लिख देते हैं इसमें। इसको थोड़ा कैपिटलाइज करना है, तो इसको सेलेक्ट कैसे करेंगे हम, हमारा आर सेल्स है H4 में, किसके H4 में, हमारा सेक्शन सेल्स है, तो सेल्स के H4 में। फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे अपन, और अपर केस कर देते हैं। अपर केस के लिए प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, और अगर आपको लेटर के बीच में स्पेस चाहिए तो वही पूरा इंग्लिश है, लेटर स्पेसिंग कितनी स्पेस होती है, लेट सेवन हाँ ये क्लास अभी वर्क कर रहा है। तुम देखो अगर मैं इंस्पेक्ट करूंगा तो मेरे जितने भी कॉल MD4 हैं वो देखो पूरे तीन पार्ट में डिवाइड है, बीच में स्पेसिंग इसलिए आ रही है क्योंकि हमने पैडिंग दे रखी है 30, तो बस यही सब में करना है, इसको कॉपी पेस्ट कर देना। अभी नंबर को स्टाइल कर लेते हैं,
ये सारे भी तुम देखो लेफ्ट में है, इनको भी हमें सेंटर में लाना है। तो हमें क्या करना है, या तो तुम नंबर पे मार्जिन कर दो या फिर टेक्स्ट सेंटर लिख दो ये क्लास पे। तो मैं टेक्स्ट सेंटर लिख देता हूँ। सेंटर हो गए, फिर समथिंग भी सेंटर करने हैं। सेंटर हो गए, थोड़ा सा साइज और बढ़ा देते हैं, थोड़ी पैडिंग डाल देते हैं जैसे यहाँ पे शो कर रहे हैं। मैं साइज कर देता हूँ। पैडिंग टॉप कर देता हूँ। इसमें देखो थोड़ी सी ना ओपेसिटी है, एग्जैक्टली वाइट नहीं है जबकि हमारा वाइट है, तो वो ओपेसिटी डाल रखी है, तो थोड़ी सी ओपेसिटी डाल देते हैं। ओपेसिटी प्रॉपर्टी जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में रहती है। 1 मतलब फुल ओपेक रहेगा और जितना कम करते जाओगे उतना ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। तो मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ क्योंकि बाई डिफॉल्ट फुल रहती है, मैं 1 से हटा के 0.8 कर रहा हूँ, तो मेरा थोड़ा सा ओपेक हो जाएगा। हो गया, थोड़ा शो नहीं हो रहा है। पे डाल दिया, नंबर पे डाल दिया, हमें पी क्लास पे डालनी है। पी को कैसे सेलेक्ट करेंगे, सेल्स कंटेंट के पी से। तो मैं लूंगा पैसे के, यहाँ तक आ रहा है ना सबको समझ में। ये पेज भी ऑलमोस्ट हो गया, थोड़ा सा पी का भी टेक्स्ट बढ़ा देते हैं, छोटा लग रहा है उसका। अच्छा यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, पैडिंग नहीं डाली हमने, तो क्या रिजल्ट, यहाँ पे अपने को पैडिंग डालनी पड़ेगी। किस सेक्शन के अंदर था ये, सर्विस कैरोसेल ना, सर्विस कैरोसेल में पैडिंग डाल देते। अभी नेक्स्ट सेक्शन बनाना है हमारे को फटाफट, ये आखिरी सेक्शन है। तो जैसे मेरे को लेआउट भेजा था श्रेय ने, तो मैंने फॉरवर्ड किया था, तो जब भी तुम किसी वेबसाइट का डिजाइन देखते हो तो मुझे बनाना है, पहले कैटेगराइज कर लेते हो, पहले कैटेगराइज कर लेते हो कि तुम्हारे को कौन सी क्लास कैसे रखनी है। सपोज तुम्हारे को पूरी विड्थ चाहिए तो तुम कंटेनर फ्लोट रखो, तुमको थोड़ा सा पैडिंग चाहिए तो तुम कंटेनर रखो। और हम रखते हैं कि मैं हम बूटस्ट्रैप यूज करते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा इजी हो, बार बार मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट ना दिखे।
मैं यहाँ डिजाइन देख रहा हूँ, मेरे को दिख रहा है कि हल्का सा स्पेसिंग छूटा हुआ है, तो बेटर यह मैं कंटेनर फ्लूइड की जगह कंटेनर यूज करूँ। फिर उसमें क्या करेंगे, हमारे को एक तरफ इमेज रखनी है और एक तरफ कंटेंट रखना है, और प्लस हम क्या चाहते हैं कि जब हम मोबाइल व्यू में देखें तो ये इमेज ऊपर आ जाए और इसका जो कंटेंट है वो नीचे आ जाए। कैसे करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था, हमने तीन सेक्शंस में डिवाइड कर लिया था, यहाँ दो में करेंगे। तो अब यहाँ पे तीन इक्वल सेक्शंस में डिवाइड हुआ था, बट यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसकी विड्थ कम हो और इसकी विड्थ ज्यादा हो, तो 12 पार्ट होते हैं। तो लेट्स से मैं 2 पार्ट इसको दे दूंगा और रिमेनिंग 10 इसको दे दूंगा, ठीक है? तो बस वैसे ही करते हैं। लेवल्स लिख देता है, फिर से वही, इस बार हम कंटेनर लेंगे क्योंकि हमें थोड़ी सी स्पेसिंग छोड़नी है। देखो यहाँ पे दो टाइटल, एक टाइटल एक सब टाइटल है, तो इन दोनों को भी अपने को स्टाइल करना पड़ेगा, तो ये भी कर देते हैं। तो मैं एक रो बना रहा हूँ सिर्फ इन दोनों हेडिंग्स के लिए, तो मैं लिख रहा हूँ H2, क्लास दे देते हैं इसको, लेट्स से लवर्स टाइटल, क्लासेस अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को ये वाला सेक्शन बनाना है, ये वाला। तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 पार्ट्स इसको दे दूंगा, रिमेनिंग 10 पार्ट्स इसको दे दूंगा। ट्राई किया करो कि तुम सारा कवर करो, मतलब 12 पार्ट्स को इक्वली डिवाइड करो, कुछ ऐसे नहीं कि तुमने एक तरफ 2 दे दिया और रिमेनिंग 8 दे दिया और फिर 2 लेफ्ट रह गया, तो वैसा नहीं करना चाहिए। चाहे तो तुम अंदर उसके एक और क्लास बना के उसमें पैडिंग दे दो, बट 12 के 12 पार्ट्स कवर करने चाहिए अगर रिस्पॉन्सिव रखना है बराबर। तो मैं दे देता हूँ, मैंने 2 पार्ट्स डिवाइड कर दिए और फिर मैं बोल रहा हूँ रिमेनिंग 10 पार्ट्स। तो अब इसके अंदर मैं अपनी इमेज रख दूंगा और इसके अंदर मेरा कंटेंट आ जाएगा। क्लास इमेज को भी दे देते हैं, ये बस, उसके अंदर नाम इमेज लिख देते हैं। ये वाली जो इमेज है ना, ये भी प्लेस होल्डर इमेज है, ये भी मेरे पास है ऑलरेडी, वो भी ले लेते हैं। अभी हमारे को ये स्टाइल करनी पड़ेगी, तो पहले कंटेंट भी लिख लेते हैं। अब
देखो जो उसने डिजाइन भेजा था वहां पे ये पीएनजी इमेजेस हैं, इनवर्टेड कॉमास है। तो अभी मेरे पास एसेट्स है नहीं, तो उसके लिए मैंने बस यही लगा दिया है। अब अगेन वही, अगर मेरे को सिर्फ इसको स्टाइल करना है और इसको स्टाइल करना है तो इन दोनों पे स्पैन कर देंगे, बाकी मेरा ये पी टैग के अंदर आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव सर ऐप कर देते हैं इन केस हमारे को कुछ स्टाइल करना पड़ा तो। पहले स्पेन में वो इन्वर्टेड कॉमा डाल दिया, उसके बाद टैग के अंदर लिख दूंगा। और फिर वापस से स्पैन के अंदर, हाँ ओपेसिटी, बेसिकली हम थोड़ा सा ओपेसिटी मतलब ओपेक क्या होता है, ओपेक होता है जो हमें फुल्ली विजिबल हो। तो ओपेसिटी बेसिकली डिफाइन करता है कि हमारा वो कितना विजिबल है। तो अगर मैंने ओपेसिटी 0 से 1 के बीच में होती है, तो अगर मैंने बाय डिफॉल्ट 1 रहती है इसीलिए हमको सब विजिबल होता है, तो अगर मैं ओपेसिटी को थोड़ा कम कर दूंगा तो वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बस उतना ही। हाँ ओके, इसकी इमेज को थोड़ा सा देख लेते हैं, ये अलग अलग क्यों नहीं आ रहा यार। एक सेकंड का ही हाँ ये ठीक है। अभी हमारी इमेज ओवरफ्लो कर रही है तो उसकी हाइट ठीक कर देते हैं।
डिलीवर्स पर्सन की इमेज. Under the common KPX. और अभी ये जो इन ऑलरेडी सर्कुलर है तो इसलिए तुम्हारे को ऐसे शो हो रही है प्रॉपर लाइक अ सर्कल, बट एक्चुअल में सर्कल नहीं है. अगर हम नॉर्थ कोई दूसरी इमेज डालेंगे तो पूरी कवर होगी. अब हमें सर्कल करनी है तो उसके लिए हम बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी यूज करते हैं और मैं उसको 50% दे दूंगा सर्कल की शेप देगा, इन केस अगर हम कोई सर्कुलर इमेज ना भी यूज करें तो भी. ओके इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं. हमारा जो डिलीवर सेक्शन है उसमें थोड़ी सी पैडिंग डाल देते हैं. और गाइस किसी को कुछ भी डाउट आ रहा है ना तो मैं बार बार खोलने से अच्छा है तुम लोग माइक खोल के बोल दो एक बार अगर किसी को भी डाउट आता है तो. तो फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं इसका. इसको कलर भी थोड़ा सा जैसे यहाँ पे ग्रे दे रखा है मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ क्या कलर है वही कलर दे देंगे. अभी यहाँ तक हमारी हेडिंग थी और ये मेरी रो है तो इस रो में मैं यहीं पे स्टाइल दे देता हूँ एक स्टाइल के लिए पूरी क्लास बनाएंगे. तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ थोड़ा सा पैडिंग टॉप हर रो में. तो लेट्स से तो इसके बीच में थोड़ा गैप हो गया बराबर. अभी इन दोनों को अरेंज करना है तो ऑलरेडी हमारे पास स्पैन है वो करने के लिए. यहाँ स्पैन में और मैं बस क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा डिलीवर्स कंटेंट का जो स्पैन है उसका जो कलर है वो ऑरेंज कर दो. तो ये हो गया बस. ये रो कॉपी पेस्ट कर देते हैं. ठीक है तो अभी मैं अगर इसको मोबाइल व्यू में देखूं
हाँ तो इस पे इमेज की हाइट तुम्हारे को थोड़ी ज्यादा लग रही है, तो वही मीडिया क्वेरी लिखो और इमेज को थोड़ा सा रिड्यूस कर दो। करके दिखाता हूँ एक सेकंड। हाँ ये ठीक दिख रहा है, बट इमेज जो है वो सेंटर में नहीं है, तो इमेज सेंटर के लिए हम क्या करेंगे, इमेज पे भी टेक्स्ट सेंटर लिख देंगे। तो मेरी इमेजेस का है, हाँ तो मैं यहाँ पे भी टेक्स्ट सेंटर लिख दूंगा तो काम हो जाएगा। हो गया। तो ऐसा ही हम एग्जैक्टली चाहते थे कि हमारा डेस्कटॉप व्यू में तो ऐसे शो हो और फिर मोबाइल व्यू में ऐसे शो हो। सेम हमने यहाँ पे किया कि हमारे जो डेस्कटॉप व्यू में है वो ऐसे शो हो और फिर मोबाइल व्यू में ऐसे। तो इसीलिए हमने इनको तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो 4 4 4। अभी इसकी हाइट जैसे मैं तुमको छोटी करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, तो हमने कैसे हाइट चेंज करी थी, हमने यहाँ लिखा था कि उसकी हाइट, तो यहीं पे लिख देते हैं। तो मैं लिखूंगा मीडिया, फिर स्टैंडर्ड मोबाइल की जो विड्थ होती है ना वो अराउंड 576 px होती है, तो मैं लिख दूंगा कि अगर मेरी मैक्स विड्थ जो है, मैक्सिमम विड्थ 570 px है, यानी कि उससे कम कमी होनी चाहिए विड्थ, तो मेरी जो कैरोजल आइटम है उसकी जो इमेज है उसकी हाइट को आप रिड्यूस कर दो। तो मैंने बोल दिया उसकी हाइट को लेट्स से 250 px, तो हाइट थोड़ी सी रिड्यूस हो गई, बस इतना ही करना है। अभी फिर ईशान ने बोला था, आई गेस हमारे को ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। हाँ हाँ ठीक है। तो ईशान ने बोला था तुम लोग को कोई होमवर्क देना है, तो मेरे हिसाब से तो यही होमवर्क है, मैंने भी फुटर पूरा नहीं किया है। तो मैं तुम लोग को डिजाइन भेज दूंगा, तुम्हारे को ये फुटर बनाना है। अब ये फुटर कैसे बनाओगे तुम लोग, यहाँ पे तुम्हारे को तुम चाहते हो कि आइकन्स रहे मोबाइल व्यू में, आइकन्स ऊपर SRMKZILLA ऊपर आ जाए और ये तीनों फिर नीचे चले जाए, तो तुम चार इक्वल पार्ट में बांट लो, या इन तीनों को इक्वल इक्वल पार्ट दे दो, इसको थोड़ा ज्यादा दे दो। तो लेट से तुमने इसको 6 दे दिया और फिर इनको बचे हुए को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो उससे क्या होगा, ये सबसे ऊपर आ जाएगा, फिर इसके नीचे ये तीनों आ जाएंगे। तो वही बस कंटेनर फ्लूइड कर देना, और फिर जो रैप डिव है उसको तुम लोग उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रे कर देना, F1 F1 F है शायद इसका एक, तो वो कर देना। तो यही तुम्हारा होमवर्क है कि तुम फुटर करो, प्लस हम इसको थोड़ा सा ना एनिमेट करेंगे, तो मैं तुम्हारे को दिखा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये एग्जैक्टली ऐसे ही ना शो हो जैसे हम वेबसाइट को रिफ्रेश करें, वेबसाइट को रिफ्रेश करें तो ये जो हमारे नंबर्स हैं ये 0 से स्टार्ट हो और फिर हमारे 54% तक पहुंचे हैं। तो एग्जांपल भी दिया होगा, हाँ नंबर काउंटर ही होता है। हाँ देखो जैसे यहाँ पे शो हो रहा है ये पूरे बढ़ते हुए आ रहे हैं ना, तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारा जो नंबर है वो पूरा 0 से शुरू होके और फिर 54% या जो भी फाइनल वैल्यू है उस तक आए। तो ऑलरेडी कोड है साइट पे, तुम ट्राई करना खुद से करने की। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट पेज है वो टीम पेज है, इवेंट्स वाला कोई पेज नहीं बनाने वाले हैं हम, इवेंट्स का एक सेपरेट पोर्टल होगा क्योंकि वहां पे हमारे को सर्टिफिकेट्स वगैरह भी डालने हैं ताकि लोग डाउनलोड कर सकें, तो उसका अलग पोर्टल बनाएंगे। बाकी आर सर्विसेज आज हो गया, और भी ऐसी जब जैसे वेब डेवलपमेंट एक सर्विस है तो सेम लेआउट में ही बाकी सर्विसेज के भी बन जाएंगे जो भी हम देते हैं। होम हो ही गया, अबाउट अस इसने सिखा दिया, हाँ तुमको जंप भी सिखाना है। देखो कॉन्टेक्ट का अलग से पेज बनाने का कोई मतलब नहीं है राइट, तो मैं बस क्या चाहता हूँ कि कॉन्टेक्ट पे अगर मैं क्लिक करूँ तो फिर वो हमारे फुटर में फुटर पे जंप कर जाए, तो वो स्क्रॉल होता होता फुटर पे पहुंच जाए, तो अभी तो यहाँ पे फुटर नहीं है। तो अभी के लिए मैं सपोज करो इस डिव पे लेके आना चाहता हूँ कॉन्टेक्स्ट से, तो तुम्हें कुछ नहीं करना होता, बस तुम इस डिव की या इस सेक्शन की आईडी जो है ना वो आईडी इसके HRF में डाल दो, बस इतना ही होता है। तो अगर मैं अपने सेक्शन को आईडी दे दूँ, इसको मैं आईडी दे दूँ लेट्स से
आईडी दे दी डिलीवर, है ना। अब इसी को अगर मैं यहाँ पे नेव बार, है ना, यहाँ मैं एचरेफ के अंदर लिख दूंगा, कॉन्टेक्ट में हैश डिलीवर लिखना है क्योंकि आईडी को हम हैश से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं रिफ्रेश करूंगा, मैं कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूंगा तो वो यहाँ पे आ गई। तो कॉन्टेक्ट पे इस चीज को ना जंप्स बोलते हैं, इंटरनल जंप्स। तो ऐसे ही जरूरी नहीं है कि तुम इस पेज में ही करो, तुम दूसरे पेजेस में भी जा सकते हो। तो तुम क्या वो जाने के लिए कैसे करोगे? अगर तुम्हारे को जाना है तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पे? सपोज मेरा कोई दूसरा पेज है, सपोज मेरे को जाना है index.html हैश डिलीवर, तो फिर वो index.html के जो डिलीवर आईडी होगा जिस सेक्शन का, उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही है। तो तुम्हारे को बस यही करना है कि फुटर बनाना है और कॉन्टेक्ट में उसकी जंप डाल देना फुटर की, प्लस ये जावास्क्रिप्ट से करना है। अब हमारा टीम पेज है, टीम पेज में मैंने तुम लोग को बताया था, ग्रुप पे डिस्कशन भी हुआ था कि वो ईशान ने वो ऑलरेडी जो बना के दिया था कि 8-8 इमेजेस है हमारी, 8-8 डायरेक्शन में, और फिर जैसे हम होवर करेंगे तो वो उस डायरेक्शन में उनका जो मुंह है रोटेट होना चाहिए। मैं तुम्हारे को भेज दूंगा लिंक, यहाँ पे दिख नहीं रही है, मैंने डिस्कशन भी किया था उस दिन। तो वो हमारे को बनाना है तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट लगेगा, तो इसलिए थोड़ा सा अगर तुम हो जाओगे, बेसिक बेसिक चीजें हैं जैसे काउंटर बनाना। और एक और चीज, हाँ, हमने इंडेक्स पेज बनाया था ना, हाँ, तो ये जो शफल लेटर है ना, ये भी मेरे को तुम्हारे को दिखाना है। तो नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम हम यही करेंगे, थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट करेंगे, HTML CSS बहुत कर लिया, तो हम ये पूरा बनाएंगे स्क्रैच से। और फिर जिन लोगों का काउंटर नहीं बन पाएगा उनको वो सिखाएंगे, और तुम लोग का होमवर्क यही है कि तुम ये पहले खुद से ट्राई करो जो काउंटर है, और फुटर बना दो। फुटर जो तुम लोग बनाओगे वही सारे में डाल लेंगे हम लोग हर पेज पे। तो बस इतना ही है, उसके बाद हम टीम पेज बनाएंगे, टीम पेज में पूरा जावास्क्रिप्ट है। तो बेटर ये होगा कि हम भैया वो JS से ही करना पड़ेगा, JS नहीं तो jQuery, jQuery से तो 3-4 लाइन का ही है, बट आप लोग ट्राई करना जावा स्क्रिप्ट से करो ताकि थोड़ा आपको समझ में आए। तो कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग फॉर लूप लगाते हैं ऐसे करके आप काउंट बढ़ाओ उसका, और फिर थोड़ा सा डिले डाल दो क्योंकि आपको वरना पता नहीं चलेगा, वो सीधा से फुल पे रहेगा। तो आप चाहते हो कि आपका वो पूरा ट्रांजिशन शो हो तो हमें थोड़ा डिले डालना पड़ेगा। जेक्वेरी भी थोड़ा सा सीख सकते हो, हम यूजुअली जावास्क्रिप्ट यूज नहीं करते हैं, जेक्वेरी यूज करते हैं एनिमेट करने के लिए, बट अभी तुम लोग बेसिक सीख रहे हो तो ट्राई करो कि तुम जावास्क्रिप्ट से करो। आई गेस इतना ही है। और ये शफल लेटर्स का, ये शफल लेटर्स भी जेक्वेरी से ही हुआ हुआ है, जावास्क्रिप्ट से नहीं, थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट है थोड़ा सा जेक्वेरी है, तो ये भी हम लोग सीख लेंगे उस दिन, मतलब नेक्स्ट जो भी हम जब भी हम सेशन रखेंगे। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे भी तुम लोग वही इस सेक्शन में भी वो बॉर्डर डाल देना, देखो वरना ये शो नहीं हो रहा है क्योंकि व्हाइट कलर का है, तो बॉर्डर डाल दोगे सेम इस सेक्शन में भी तो वो शो होने लगेगा। डाल देता हूँ यार, आर सर्विसेज राइट। हाँ अभी ठीक है, तो आइकन शो हो रहे हैं। तो गाइस इतना ही है आज के सेशन के लिए, तुम लोग को बस यही करना है, फुटर बनाना है, मैं डाल दूंगा ग्रुप पे भी, फुटर बनाना है, ये एनिमेट करना है और जंप डालना है। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग टीम पेज पूरा करेंगे।
नेक्स्ट सेशन प्रोबेबली लास्ट सेशन होगा, हम टीम पेज पूरा करेंगे जावास्क्रिप्ट से और ये शफल लेटर, और नेक्स्ट सेशन शायद थोड़ा बड़ा भी हो तो हम थोड़ा जल्दी रखेंगे, और इंडेक्स वाले पेज में उसको थोड़ा सा सीखेंगे ये कैसे किया है जावास्क्रिप्ट से। फिर टीम पेज में बना देंगे इमेजेस, हमको जब वापस से कॉलेज शुरू हो जाएगा तो हम सब लोग की पूरा 8 डायरेक्शंस में इमेजेस खींचेंगी, मतलब फोटोज, और फिर वो वेबसाइट पे अपलोड होंगी ताकि हर उसमें दिखे। मैं तुमको लिंक भेजता हूँ, तुमको दिख जाएगा कैसे करना है। तो इतना ही आज के सेशन के लिए। हाँ भैया, शफल पूरा रेंडम रहता है, वो बेसिकली मैंने पूरे कैरेक्टर सेट कर रखे हैं, सारे सिंबल्स प्लस सारे लेटर्स प्लस सारे डिजिट्स, और फिर मैं एक फंक्शन होता है मैथ डॉट रेंडम, उससे मैं पहले मैंने स्प्लिट कर लिए सारे एलिमेंट्स, और फिर मैं एक एक एलिमेंट को रेंडमली चूज कर रहा हूँ। शफल लेटर्स वाला भी हो सके तो ट्राई करना आप, बहुत अच्छा है। हाँ, एक और चीज मैं बोलना भूल गया, मैं चाहता हूँ कि अब तक का जितना काम है ना सबकी ब्रांच में हो, आई गेस 5-6 ही ब्रांचेज हैं गिट पे, इबानी की है, एक दो लोगों की और है, तो प्लीज ट्राई करो कि तुम लोग अपनी अपनी ब्रांच बना के अब तक का जितना काम है वो एक बार खुद बना के देख लो। देखो वेबसाइट तो बनती रहती है, बट इस बार हम ये चाहते हैं कि सब लोग पूरा पूरा बनाए, तो ये नहीं कि तुमने यहाँ पे देख लिया और बस काम खत्म हो गया। हम लोग चेक करेंगे किस किस की ब्रांच में पूरा अपडेटेड काम है, तो प्लीज ट्राई करो कि जो तुम्हें इसने ऋत्विक ने सिखाया था, फिर उससे पहले श्रेय ने सिखाया था, फिर मैंने सिखाया है आज, तो तुम लोग ट्राई करो कि पूरा पूरा काम रहे तुम्हारे पे। तो हम लोग 3-4 दिन अभी सेशन नहीं रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा यही है, क्योंकि तुम्हारे को बहुत सारा काम है अब, तो मेरे को ये सारे पेजेस पूरे करने हैं और ये एनिमेट करना है। मैं पूरा लिस्ट बना के भेज देता हूँ अभी असाइनमेंट का, आई गेस इतना ही है और तो कुछ है नहीं, तो बाय बाय, इतना ही है और कुछ नहीं है मेरे को करने को। तुम लोग प्लीज 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 अपना सारा काम करके ना, और ट्राई करो कि तुम लोग सारे ये पेजेस बना के और फिर उस पर गेटअप पे अपलोड कर दो, क्योंकि तुम लोग खुद ट्राई करोगे ना तो ही हो पाएगा अच्छे से। ओके, बाय बाय एवरीवन।